मुबशी जरा आप आपकी हाइट बताओ, आगे आओ जरा। मुबशिर की साइज का मुबशिर डर रहा है। ये तो भाई इसकी डिटेल्स बता दो ना। 130 130 किलो। तो भाई ये आप वजन करा के दोगे ना, 130 किलो आप बोल रहे हो, मतलब थोड़ा 19-20 हो जाएगा कम, लेकिन लेकिन 130 आपने बोले। मुकीम खान बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्री है, जैसे कि आज मुबशिर भी साथ में। तो मुबशिर उसको क्या दिखाओगे आप? बकरे दिखाएंगे और वो जो अंदर के खस्सी है वो माशाल्लाह से, और वो जो आपको वो वाले बकरे दिखाए थे वो एकदम माशाल्लाह से बड़ा है बकरा और अच्छा भी। तो आज हम लोग आपको प्रीमियम गोट्स बताएंगे, तो वीडियो देखो एंड तक। एवरीवन, तो आज वापस हम लोग एक गोट वीडियो कवर करेंगे, और आज हमारे साथ वीडियो के अंदर अरबाज भाई है, जो इनका बकरों का लॉट है पूरा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अंडूल वगैरह सब कुछ है, खस्सी में भी है और ये भी अंडूल है। और सबसे पहले आज ये वाला अंडूल हम लोग कवर करेंगे वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले इसकी नस्ल कौन सी है, ब्रीडर कौन सा है, ज़रा बता दो डिटेल। कोटा क्रॉस सोजद। कितने दांत हो गए भाई इसके? चार दांत हो गए और फुल गुलाबी, जैसे कि होंठ वगैरह देख रहे हो भाई, कान देख रहे हो गुलाबी पूरे, पिंक स्किन है, फोर्टी वन की हाइट है। और क्या किलो पे होएगा भाई ये? 80-85 के बीच में, 75-80 के बीच में। तो बात होती है भाई अभी प्राइस की, तो आप इसको नग के हिसाब से दोगे या किलो के हिसाब से दोगे? नग के हिसाब से दोगे। तो क्या कोट कर रहे हो भाई इसका? 70 से 75। अच्छा, मतलब जो कुर्बानी के हिसाब से अगर किसको चाहिए तो वो भी ले सकता है, जिसको पालना है वो भी ले सकता है। और बहुत ही रुआब वाला बकरा है जैसे कि आप देख रहे हो भाई, और माशाल्लाह बहुत एक्टिव बकरा है। अब वीडियो के अंदर भाई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप लाइव देखोगे वो अलग चीज़ होती है और वीडियो के अंदर अलग होती है। तो अभी अपन नेक्स्ट ये वाला बकरा देखते हैं। ये तो भाई बहुत एग्रेसिव वाला लग रहा है, तो बहुत एग्रेसिव है भाई ये तो। तो भाई वो वाला आपने कितना बोले थे उसका? ये वाला 70,000 कोट किए थे ना आपने उसका? 65-70,000। अगर कोई फ़ोन करके आपको बोलेगा कुछ कम हो जाए उसका, तो आप कर दोगे नेगोशिएबल? कर दो, स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। और भाई एक सवाल आता है कि वो बकरे का 70,000 और 65,000 क्यों आप कोट करो, लाइक इतना कॉस्टली ऐसे टाइम पे? अच्छा, तो ऐसा कुछ हो नहीं, जो शौकिया लोग होते हैं भाई उन लोगों को ज़्यादा मालूम होगी वो चीज़ के बारे में, क्या है वो चीज़। ओके, अभी ये थोड़ा सा देख लेते भाई, इसकी डिटेल्स दे दो थोड़ी सी आप। 38 हाइट है, 80-85 किलो का है और चार दांत का है। हाँ वो तो दिख रहा है भाई, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मेरे को तो यही बकरा लग रहा है। तो इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हो भाई आप? 55,000 से लेके 60,000 के बीच में। तो इसका भी नेगोशिएबल हो जाएगा? ये चार दांत का है, 80 किलो अंदाजा वजन होगा, और 55,000 भाई ने कोट किए। अगर किसको अगर यही बकरा वजन पे चाहिए तो ये नग पे सिर्फ मिलेगा, किलो पे ही, किलो पे नहीं मिलेगा आपको, नग पे मिलेगा। और अभी थोड़ा सा खस्सी का लॉट देख लेते हैं। और अंडूल है आपको ब्रीडर में। तो अभी हम लोग ये वाला देखेंगे, तो ये भी भाई ब्रीडर है ना?
तो भाई इसकी डिटेल बता दो आप। हैदराबादी क्रॉस मेवाती वाइट आइस में, जरा वाइट आइस बता दो भाई, वाइट आइस है तो उसको वाइट आइस बोल दे। ओके भाई कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। हम मुबशी वहां पे डरते हुए, मुबशी डर लग रहा है क्या? तो ये वाले बकरे की डिटेल्स है तो भाई फटाफट, क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं जितने भी आपके ब्रीडर है। 40-41 की हाइट है, 90 किलो के आसपास वेट है। तो ये जो आप वेट बोल रहे हो अंदाजा बोल रहे हो, ये तो तोला हुआ है, तोला हुआ है ये, 90 के ऊपर होगा, ऊपर नीचे वो होगा ये आसपास। तो ये वाला आप वेट के हिसाब से दोगे या नक के हिसाब से दोगे? ये भी नक पे दोगे। तो अगर किसको जितने भी ब्रीडर है वो सब नक पे मिलेंगे, और ये जो खस्सी का जो अंदर लॉट देख रहे हम लोग तो वो आप किलो पे दे दोगे। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते फिर वहाँ पे देखते। तो इसका क्या प्राइसिंग कोट कर रहे हो भाई आप? सेवेंटी से सेवेंटी फाइव थाउजेंड के बीच में स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। और ये सब जो गोट्स है बहुत प्रीमियम क्वालिटी के, ये सब मिलते नहीं है, ये आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे कोटा ब्रीडर के है, हैदराबादी क्रॉस मेवाती है, पंजाबी भी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको ब्रीडर मिल जाएगी और सब एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप एक साल पाल भी सकते हो उसको, ये जितने भी आप देख रहे हो सब एक साल पाल सकते हो आप। जिसको कुर्बानी के लिए लेना है कुर्बानी के लिए ले लो, जिसको अगर पालना है वो पाल भी सकता है। तो अभी अरबाज भाई अपन खस्सी का लॉट देख लेते हैं फटाफट, और भी अंडूल है, ये दो अंडूल है और एक छोटा बोर भी है। तो ये अपने दो पंजाबी है, ये कितने दांत की हो गई भाई? ये सब दोनों पूरे दांत, पूरे दांत हो गए होंगे और जोड़ी है ये। तो इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हैं जोड़ी का? नहीं, सिंगल, सिंगल तो जोड़ी अराउंड 1 लाख के आसपास होगी और स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। और अभी अपन दूसरा देख लेते भाई अपना ब्रीडर। तो अभी ये जो है ये बोर है, और ये भी आप एक साल पाल सकते हो या दो साल तक भी पाल सकते हो। तो दो दांत का, ये दो दांत का सिर्फ बकरा है, 50 किलो वेट से इसका। हाइट तो इसकी छोड़ दो, मतलब हाइट यही रहती है। हाँ, ये शॉर्ट हाइट के ही रहते जितने भी बोर होते। तो ये ओरिजिनल बोर है क्या भाई? ये क्रॉस करा हुआ है, ये क्रॉस बोर है। तो ये इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हो भाई आप? थर्टी से थर्टी फाइव थाउजेंड के बीच में वो स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। तो ये जितने भी है ये पूरे खस्सी है, और इसका अंदाजा भाई वेट कितने हो गए बकरे, कितने वेट पे बकरे हो गए ये सब? 70-80 किलो के होगी। तो ये अपना 55 किलो का है, मतलब छोटा बजट जिसको चाहिए वो भी ले सकता है। तो ये क्या किलो के हिसाब से दे रहे भाई अपुन? 580 से 650 के किलो के बीच में अपन देंगे। तो वो अंदाजा फॉर एग्जांपल अगर 60 किलो का बकरा है 580 से, तो उसमें भी स्लाइटली थोड़ा नेगोशिएबल हो जाएगा। तो ये इसमें खस्सी में सबसे हैवी वेट का बकरा कौन सा, जरा एक दो बता दो ना मेरे को। ये वाला, ये क्या हाइट होगी भाई इसकी? 42 के आसपास की हाइट, 41 की हाइट होगी।
और माशाल्लाह सब एक्टिव है और सब प्रीमियम क्वालिटी के गोट्स है भाई, पिंक स्किन हो जाते। और एक ये भी सबसे हैवी बकरा है यहाँ पे। मुबशी जरा आप आपकी हाइट बताओ, आगे आओ जरा। मुबशीर की साइज का मुबशीर डर रहा है। तो भाई इसकी डिटेल्स बता दो ना। 130 130 किलो। तो भाई ये आप वजन करा के दोगे ना, 130 किलो आप बोल रहे हो, मतलब थोड़ा 19-20 हो जाएगा कम, लेकिन लेकिन 130 आपने बोले हो, तो आप ये आप वजन से वेट से दोगे या आप उससे दोगे, नक से? ये नक से दोगे। तो इसका भाई क्या कोट कर रहे हो, इसका प्राइस आप कॉल पे बता दोगे? आप आपका फ़ोन नंबर दे दो भाई एक बार। 9769008960। तो भाई जिसको भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी ये सब बकरे थे ये सब अपने किलो के हिसाब से मिलेंगे, खस्सी बकरे। और भाई ये वाला जो आपने अभी बकरा निकाले हो उसको अंदर से, ये अलग ब्रीड का है, तो इसकी डिटेल भाई बताएंगे। तो ये खस्सी है और ये भाई क्या डिटेल है बकरे की? और ये कौन सा ब्रीडर है भाई? पंजाबी है लेकिन खस्सी है ये। तो पंजाबी जो ब्रीडर होते हैं भाई वो मोस्टली ब्लैक कलर में होते हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा यूनिक है और ये चॉकलेटी और ये डार्क ब्राउन जैसी कॉफी होती है वैसा कलर है इसका, और बहुत ही खूबसूरत है और माशाल्लाह हाइट भी काफ़ी अच्छी है। और ये 42-43 की हाइट है और ये 4 दांत हो चुके हैं। तो भाई जिसको पालना है वो पाल भी सकता है, ये बकरा कुर्बानी करना तो कुर्बानी भी कर सकता है, और बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई इसको क्या प्राइस कोट कर रहे हो? वाइट आइस में। तो इसको क्या प्राइस कोट कर रहे हो भाई आप? 40 से 45 थाउजेंड के बीच में, तो स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। तो भाई आपका नंबर बता दो। 7506 85 0 99 5। ओके, शॉर्ट में एड्रेस बता दो भाई। और एक हस्सी है, ओके ओके बता दो भाई। तो एक ये वाला है, ये भी खस्सी है भाई। हाँ भाई लेट खस्सी है, लेट खस्सी है। और ये 95 किलो के आसपास होगा। और ये कौन सा ब्रीड, मतलब कौन सी नस्ल है भाई ये बकरे की? सोजत है ये, गुजरी में क्रॉस और सोजत। और क्या दांत है इसके भाई? भाई 6 दांत का होगा ये, 6 दांत का। तो भाई इसका क्या कोट कर रहे हो भाई प्राइस? तो इसका प्राइस भी भाई कॉल पे बता देंगे। रीजनेबली प्राइस है, लेकिन इसका प्राइस आप भाई को कॉल करना पड़ेगा इसके प्राइस के लिए। तो भाई एक बार शॉर्ट में एड्रेस बता दो। ये जो नागपाड़ा के पास है ना, मतलब ये जेजे का जो ब्रिज स्टार्ट होता है ना, हाँ जेजे हॉस्पिटल के सामने, वहीं पे सामने आगे, मतलब सामने ही जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है ना, सामने रिचर्डसन्स के आगे आप जाओगे तो सिग्नल है, तो वहीं पे जेजे का ब्रिज स्टार्ट होता है। हाजी मखदूम साहब ब्रिज का नाम है, और वहीं पे स्टार्टिंग में आपको सामने के साइड पे ये सब गोट्स का शॉप है। मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना वहाँ से। ठीक है अरबाज भाई, शुक्रिया आपका बहुत।